नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूँ राहुल और ये है मेरी वाइफ शिवानी। तो दोस्तों, आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो काफ़ी आपको अटपटा लगेगा और सुनने में भी अजीब लगेगा। दोस्तों, पहले शादी होती थी, लड़की की शादी होती थी। अगर लड़की की शादी होती है तो माँ बाप लड़का देखने जाते थे, लड़का अच्छा है, पैसा है, घर है, तब शादी होता था। एक बार नहीं, एक लड़का नहीं, दो तीन, बार बार देखते थे। जब अच्छा होता था तब शादी होता था। आजकल क्या हो रहा है, फेसबुक पे प्यार हो रहा है, इंस्टाग्राम पे प्यार हो जा रहा है, व्हाट्सएप पे प्यार हो जा रहा है। करो। दोस्तों, शर्म की बात तो ये है कि आजकल के माँ बाप छोड़ दे रहे हैं कि जाओ बेटा, माँ बाप ही बोल रहे हैं कि जाओ बेटा, लड़का करो, जाओ घूमने जाओ पार्क, हाँ लड़का अच्छा है, हाँ यही जाओ। बहुत माँ ही बोल रही है भैया, माँ ही बच्चों को क्या पता, माँ बोल रही है, पिता बोल रहा है कि जाओ बेटा घूमो, बहुत घूमो, खूब घूमो, सबको अच्छा आराम करना, थोड़ा आराम आराम, ज्यादा नहीं, थोड़ा दोस्तों, हम उन माँ बाप को टारगेट करना चाहते हैं जो अपने बच्चों को, आजकल माँ बाप का मैं थिंकिंग देख रहा हूँ इतना घटिया हो गया है कि जिन लड़कियों की मान लीजिए शादी नहीं हो पा रही है या किसी तरह से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, घर में पैसा नहीं है, मान लो कोई माँ बाप पैसा नहीं है, हाँ बाबू शादी करो, पैसा नहीं, हाँ पैसा है लेकिन शादी कर लो, क्या हो बहुत। और कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो लड़के का स्टेटस देखते हैं, बैंक बैलेंस देख के शादी कर देते हैं। कुछ माँ बाप इतने शातिर होते हैं, पता की है तो क्या, जब हाँ लड़के तो शादी नहीं हो, कोई नहीं है, क्या बताऊं। कुछ अगर मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके बच्चे शादी लायक नहीं है, मान लो लड़की काली है, लड़की काली है, लड़की का शादी नहीं हो रहा, तो मान लो काली है, लड़की काली है, तो हम उसके पापा, बाबू भाई फेसबुक चलाओ, अच्छा लड़का करो, गोरी लड़का सुंदर करो, लड़का अच्छा करो, देखो अलग अलग देखो, प्यार करो, बहुत अच्छा। तो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को फोन दे रहे हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को ये फोन दे रहे हैं ना, वो जो दे रहे हैं ये नहीं जानते कि कल को वही फोन उनकी लड़की की इज्जत इज्जत को डुबा सकता है, लड़कियों को काट पीट कर सकता है लड़कियों का। आप जान के अनजान बन रहे हैं, ऐसे माँ बाप अतीक अहमद से कम थोड़ा ना है, वो बराबर। तो आप भी शैतान से कम नहीं है। मैंने खुद देखा है अपने आप से पर्सनली, लड़का छोड़ के जाता है, हाँ बाय बाय, माँ देख रही है, अरे लड़का बहुत अच्छा है, चल बाबू खाना खा लो, भूख लगी होगी ना, उसको कहाँ नहीं बुलाई बाबू को, बुलाओ अच्छा कल बुला। तो बेटा वो तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेगा, उसके उसके दिमाग में हवस है बस। लड़के जो होते हैं ना वो थोड़े से कुत्ता होते हैं, कुत्ते कुत्ता ले ले, हाँ कुछ भी खा लेंगे, वो काली गोरी कुछ भी, कोई भी कुत्ता। लेकिन सबसे घटिया बात तो ये है दोस्तों, कोई लड़की है, कोई अंधी है, कोई पैसे विकलांग है, कोई गूंगी बहरी है, कोई कुछ भी है, जब ऐसे बच्चे को कोई माँ बाप छोड़ देते हैं, हाँ जाओ, तब वैसे माँ बाप की सजा तो उन लोग को भगवान भी माफ नहीं करता, क्या उन लोग का अतीक अहमद से भी ज्यादा बुरा हाल होना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चे की इज्जत को ना संभाल सके, ऐसे माँ बाप को इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं जी। मामा तो पकड़ो तो फेंक देते हैं, बच्चों को गलत सिखाना। एक बात बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से समझ जाते हैं कि क्या गंदा है क्या। और जो माँ बाप बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते,
वो तो सबसे बड़े झूठे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा सो रहा है मुझे मालूम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा बच्चा खा रहा है मुझे मालूम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरा बच्चा कुछ भी कर रहा है, नहा रहा है धो रहा है मुझे मालूम नहीं। तो जो आदमी ये सब बातें कहते हैं ना, हमको नहीं पता है, अरे हम बूढ़ा है, हम बहुत अच्छा है, हमको कुछ नहीं पता। अरे तुम्हें सब कुछ पता है, तुम जानबूझ के अनजान बन गए हो अपनी बेटी को टिकाने के लिए। दोस्तों कुछ हमारे समाज में पढ़े लिखे घटिया लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को शादी ना होने पे बेच भी सकते हैं। इतने घटिया लोग भी बसे हुए हैं हमारे समाज में। कई लोग को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन क्या नाम ले किसी का, एक आदमी थोड़ा है, सैकड़ों हैं, क्या करोगे। रिश्तों के नाम को कलंकित किया जा रहा है। मैं कुछ शर्म आती है कहते हुए, जब माँ बाप ही ऐसे हो जाएंगे तो आप किससे उम्मीद करेंगे कि वो एक लड़की की रक्षा करेंगे इज्जत सम्मान की। पहले के टाइम में माँ बाप कहते थे कि बेटा तुम मर जाना लेकिन किसी को छूने मत देना अपने आप को। अब क्या है, अरे बेटा छुओ बहुत अच्छा सबको, अरे बेटा एक महीना वही रहो, वही हम आएंगे बाद रहो, बहुत अच्छा। तो ऐसे माँ बाप को अतीक से ज्यादा सजा होनी चाहिए। अतीक को जो सजा मिली है वो तो बहुत ही अरे माँ बाप, अरे मैं खुद देखा हूँ बाबू, हाँ ना सच्ची खुद देखा हूँ मैं, मम्मी लड़का देखती है मम्मा, हाय हाय हाँ खुद मालूम है लड़का बहुत अच्छा, कहाँ लड़का घर कहाँ, हाय बाप हाय बाप, ले बुलाओ हम शादी कर पक्का। अच्छा ऐसी माँ होंगी, ऐसी माँ होंगी तो लड़कियों का तो उदाहरण समझिए। और दोस्तों आप जो ये रोज वो अंकिता दुबे श्रद्धा, इन लोग के माँ बाप को पहले नहीं पता था लिव इन में रह रही हैं, जब मर जाती है लड़कियाँ, जब वो लड़के गलत हरकत करके चले जाते हैं तब तुम लोग को याद आता है, पहले पैसा तब तुमको याद नहीं है, जब बाद में लड़के तो कुत्ते होते हैं, लड़के तो जो मिलेगा वो नोच लेंगे, लड़के को यही मतलब नहीं, लड़की गोरी काला कोई भी उसको तो बस बीमारी होता है, ये काला होता है, जैसे लड़की काली तो शादी नहीं होता, हाँ बाबू मैं बहुत प्यार सच्ची प्यार करो प्यार बहुत मारो, फिर बाद में इतनी समाज में दोस्तों ये झूठ पकड़ो समझो, लड़कियों बेवकूफ मत बनो, कोई प्यार का झांसा दे रहा है झांसे में मत आओ, आपसे नहीं आपके शरीर से इंसान प्यार कर, इससे प्यार है, आपसे प्यार नहीं है ये, इससे प्यार है शरीर से, दिल नहीं है प्यार नहीं है, झूठ है ओनली झूठ। अगर मेरी बात गलत हो तो लाइक मत कीजिएगा, अगर बात सही हो तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में यही कहना था, माँ बाप के प्रति मेरा गुस्सा है इसलिए फूट रहा है क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा है ये सब चीज़ें होते हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है ना। बस ये कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।